बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो कैसे होती है, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया, ये सॉलिड कंडक्टर मान लीजिए, और जैसे इलेक्ट्रिक हम यहां पे रखेंगे कंडक्टर को, आपको पता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, है ना, इधर ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, तो यहां पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाते हैं और पॉजिटिव साइड मतलब प्रोटॉन जो है एक साइड आ जाते हैं, तो इसके अंदर इस रीजन मतलब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट होती है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल वाली इस एक्सटर्नल क्या होती है, इक्वल अपोजिट होती है, कैंसल आउट कर देती है, तो नेट फील्ड जो होता है यहां पर, नेट फील्ड जो होता है वो जीरो हो